हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में एक बड़ा अपडेट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आज ब्लड बात हो गया, आज 20% का लोअर सर्किट लगा और सबको रात को नींद नहीं आ रही होगी टेंशन के मारे। सब लोग गिन रहे होंगे कि मेरा लॉस कितना हो गया। तो ये बड़ा एक्शन जो है, इसके बारे में बताने के पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। आज भी 2 जैकपॉट शेयर ने सुपर परफॉर्मेंस दिया और फ्राइडे के लिए भी रेडी है जैकपॉट शेयर जो कि सुपर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आप जानते हैं कि आज बड़ा ज़बरदस्त फॉल हुआ और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है एक्सचेंजेस के ऊपर। और अच्छी बात यह है कि NSE और BSE ये कुछ एक्शन ले, यही मैं सोच रहा था। मैं याद कर रहा था वो दिन जब ब्राइटकॉम ग्रुप ASM स्टेज 4 में था और जब उसका सर्किट लिमिट हुआ करता था 5%, जो कि अच्छा था क्योंकि 5% ही अपर सर्किट लोअर सर्किट लिमिट था तो नुकसान कम होता था, और 5% फटाक से लग जाता था अपर सर्किट में तो लोगों में क्रेज रहता था बाय करने के लिए और शेयर लगातार ऊपर जाता था। बट काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी थी कि भाई 20% सर्किट लिमिट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, शेयर बहुत भागेगा, और हुआ उसका उल्टा और आपको वही देखने को मिला। मैंने आपको याद होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं बार बार कहता था कि सर्किट लिमिट बढ़ना नहीं चाहिए, ये डेंजरस है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, और आपने देख लिया कितना डेंजरस हो चुका है ये सर्किट लिमिट 20% का। बट गुड न्यूज़ अभी ये है कि सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है, ये शो हो रहा है BSE के साइट के ऊपर। NSE के साइट पर अभी भी 20% दिखा रहा है, बट BSE के साइट पर अभी 10% दिखा रहा है। तो हो सकता है NSE पर भी 10% दिखा दे कल या परसों। जनरली देखा जाए 20% के 2 डेज अपर सर्किट या लोअर सर्किट मारो तो ही शेयर का लिमिट चेंज होता है 10%। बट कहीं ना कहीं सेबी ने ये नोट किया होगा या उनके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा सेटिंग होगा कि कोई शेयर में बिग वॉल्यूम के साथ में लोअर सर्किट लगा तो तुरंत उसका सर्किट लिमिट चेंज हो जाता होगा। तो वही हमें देखने को मिला है, और आशा करते हैं कि 10% का ही सर्किट लिमिट रहे तो लॉस हमारा बच सकता है, अगर और भी नीचे जाने वाला होगा तो। मतलब अभी लोअर सर्किट का प्राइस दिखा रहा है 11 रुपीज़ 98 पैसा। अगर 20% का लोअर सर्किट का लिमिट रहता था तो यही लोअर सर्किट लिमिट का प्राइस रहता था 10 रुपीज़ 64 पैसा, पर अभी दिखा रहा है लोअर सर्किट का प्राइस 11 रुपीज़ 98 पैसा। तो ये पॉजिटिव बात है मेरे हिसाब से। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसको ASM स्टेज 4 में डाल देना चाहिए। 4 में डाल दिया तो क्या होगा, ऑपरेटर का गेम कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। इंट्राडे बंद हुआ तो ही ये फ्री फॉल जो है ये बंद हो जाएगा जो ब्राइटकॉम ग्रुप में चल रहा है। अगर फ्राइडे को भी लोअर सर्किट मारा 10% का तो हो सकता है 5% का लिमिट करके ASM स्टेज 1 या 2 में डाल दे। तो अगर पर 1 और 2 में इंट्राडे बंद नहीं होगा, 4 में डाल देना चाहिए डायरेक्ट। तो इंट्राडे बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ऑपरेटर लोग भाग जाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ सकती है। सो लेट्स होप ऐसा कुछ हो जाए। बट अभी 10% का लिमिट दिखा रहा है BSE के ऊपर दिखा रहा है, NSE पर अभी तक 20% ही दिखा रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, सर्किट लिमिट चेंज हो जाना चाहिए था ब्राइटकॉम ग्रुप का। बट प्रॉब्लम यह था कि ये धीरे धीरे गिर रहा था, और उनका एक सॉफ्टवेयर होता होगा सेबी का, BSE NSE का, जिसपे वो लोग ऑटोमेटिकली चेंज करते होंगे। तो आज 20% का लोअर सर्किट लगा विथ 9 करोड़ वॉल्यूम, तो 20% और एक दिन रहा नहीं देखी है एक्सचेंजेस ने और तुरंत चेंज कर दिया 10% का सर्किट लिमिट, ये BSE पर दिखा रहा है। आशा करते हैं कि NSE पर भी चेंज अपडेट हो जाएगा कल तक, या फिर फ्राइडे को 10% का लिमिट रहे, क्योंकि 20% का लिमिट रहा और पैनिक फिर से रहा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा सब रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों का। तो आशा करते हैं कि ऐसा ना हो और 10% का सर्किट लिमिट ही रहे, दोनों जगह पे चेंज ना हो। काफ़ी बार हमने ये भी देखा है, पहले 10% दिखाता है वापस चेंज होकर 20% दिखा देता है, पर मेरे हिसाब से 10% ही रहेगा जो कि अच्छी बात है, नुकसान कम होगा अगर और गिरना रहा तो। थैंक यू फ्रेंड्स।